खरगोन के मांगरूल में क्षत्रिय कुशवा समाज ने सामूहिक विवाह कार्यक्रम संपन्न कराया, जिसमें 19 जोड़ों ने शामिल होकर अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए और संघ जिन्हें मरने की कसम लेकर उपस्थित जनों का आशीर्वाद लिया। बता दें कि कर्फ्यू के चलते दुकानें बंद होने से शादी समारोह में शामिल हुए परिवारों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, उसके बावजूद कार्यक्रम सफल रहा। वहीं कार्यक्रम में प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री बालकृष्ण पाटीदार भी पहुंचे और दांपत्य जीवन में बंधे जोड़ों को आशीर्वाद दिया। इस दौरान समाज ने बताया कि प्रतिवर्ष लाखों की तादाद में समाजजन पहुंचते हैं, लेकिन कर्फ्यू के कारण आयोजन में कम जोड़े शामिल हुए हैं। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। किस तरह से शादी का आयोजन किया जा रहा है? ये जो मुहूर्त होता है अखातीज का, ये मन मुहूर्त होता है, मतलब इसमें किसी पंडित से मुहूर्त की जरूरत नहीं पड़ती है। इस कार्यक्रम में बहुत सारे लोग शादियां निकालते हैं और पूर्व से ही शादियां बहुत सारे लोगों ने तारीखें तय कर रखी थी, लेकिन आज कर्फ्यू के कारण जो शहर के अंदर और शहर के आसपास के जितने भी लोग हैं उनको बहुत दिक्कतें हो रही है शादियों में, क्योंकि एक तो बाज़ार खुला नहीं है, दूसरा आवागमन बंद है, तो जो बारात जाना आना होता है उसमें भी काफ़ी दिक्कतें हो रही है। पुलिस प्रशासन उनके साथ रोक टोक कर रहा है, आप इधर नहीं जा सकते उधर नहीं जा सकते हैं, और बहुत सारे लोगों ने जैसे खरगोन में धर्मशालाएं ले रखी थी, आज उनको इमरजेंसी में शादियां दूसरी जगह बाहर करना पड़ रहा है। जैसे मांगरोल में अभी हमारे कुशवा समाज के सामूहिक विवाह हो रहे हैं, फिर अभी आपके यहीं गायत्री मंदिर जो है मेहरजा में, वहाँ पे यहाँ खरगोन जो धर्मशाला किराए से ले रखी थी उन्होंने कैंसिल करके वहाँ पर मजबूरी में करना पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ें कर्फ्यू के कारण हो रही है और काफ़ी जनता को तकलीफ पड़ रही है। अभी कितने जोड़े हैं मांगरोल में? 19 जोड़े अभी हुए हैं और ये कर्फ्यू कारण कम आए हैं, नहीं तो और संख्या बढ़ने की संभावना थी, क्योंकि लोगों को दिक्कतें होती रही, लोगों ने समझा कि भाई हम कैसे जाएंगे, शासन प्रशासन रोकेगा तो हम आवागमन नहीं कर पाएंगे, इस कारण से वहाँ शादियाँ कम आई हैं। हाँ, संख्या हमारी जो सामूहिक शादियाँ जो हर साल हम हर वर्ष करते हैं कुशवा समाज के बैनर तले, उसमें करीब करीब हमारे 15,000-20,000 जनसमूह एकत्रित होता है, किंतु इस बार 5,000 के अंदर रहने वाली है जनसंख्या, 4,000 से 5,000 के लगभग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामचंद्र सोलंकी है, मैं कुशवा समाज का ग्राम बड़गांव इकाई का अध्यक्ष भी हूँ और सामाजिक। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।